मैंने इस वीडियो में सलार जंग म्यूजियम का वीडियो दिखाया है, जैसा कि आप इंट्रो में देख पा रहे होंगे। इसमें हाथी के दांत के बने ताजमहल, यीशु की प्रतिमा, देवी देवताओं की प्रतिमा और भी बहुत कुछ दिखाया है। और पुराने ज़माने में लड़ाई कैसी होती थी, सैनिक किस घेरे में होते थे, किस टाइप के होते थे, उस टाइप का कुछ वस्तु और राजा महाराजाओं के कीमती वस्तु भी दिखाया है। इसमें सलार जंग म्यूजियम में जो भी सामान है सबको मैंने अच्छे से दिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धनंजय गुप्ता ब्लॉग्स। इस म्यूजियम में एंट्री के लिए आपको एक टिकट लेना होगा। अगर आप वयस्क हैं तो आपको 20 रुपये का टिकट है और बच्चों के लिए 10 रुपये का, और फॉरेनर के लिए 500 रुपये का यह टिकट मिलेगा। और अगर आप कैमरा या मोबाइल ले जाते हैं तो आपको 50 रुपये और पे करना पड़ेगा। टिकट काउंटर के पास में ही बैग जमा करने का एक स्थान है, जहाँ पर आप बैग जमा करेंगे तो आपको 10 रुपये और पे करने होंगे। और आपको एक लॉकर की चाबी मिलेगी, उस लॉकर के अंदर आप कोई भी अपनी वस्तु या बैग जमा कर सकते हैं। और जब वापस आते वक्त आप उस की यानी कि चाबी से अपने लॉकर को खोल कर अपना बैग ले जा सकते हैं और चाबी वहाँ पर रख सकते हैं। इस म्यूजियम के अंदर आपको हाथी के दांत की चटाई, ताजमहल, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, यीशु की प्रतिमा तथा पुराने ज़माने के राजाओं की तस्वीरें और उनके उपयोग किए जाने वाले कुछ वस्तु है, और राजा के वक्त की सैनिकों को भी दिखाया गया है। और उसमें प्राचीन किताबें, जापानी वस्तु, चीनी वस्तु, वेस्टर्न वस्तु और गांधी जी के जीवन को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। पुराने ज़माने की घड़ियाँ आदि आपको देखने को इस म्यूजियम में मिल जाएगा। अगर आप हैदराबाद आएँ तो इस म्यूजियम में ज़रूर जाएँ, क्योंकि यह म्यूजियम हैदराबाद के 4 मीनार से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और इस म्यूजियम के अंदर आपको 2 घंटे लग सकते हैं। और अगर आप इस म्यूजियम में जाते हैं तो आप मोबाइल जमा नहीं करते तो आपको 50 रुपये पे करना होगा, ये मैंने बता ही दिया है। अगर आप आते हैं तो 10 रुपये का बैग जमा करें, उसी मोबाइल अपना रख लें और 20 रुपये का टिकट ले लें। अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो तब आपको बस 30 रुपये पे करना होगा और इसमें 2 घंटे लग जाएंगे इस म्यूजियम के अंदर आपको जो भी वस्तु है देखने के लिए। ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे इसमें देखने के लिए है और ये देखने में बहुत अच्छी है। हैदराबाद के 4 मीनार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये हैदराबाद के 4 मीनार से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और चौमहल्ला पैलेस से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये सलार जंग म्यूजियम है।